Good morning. So today taken the topics again, difference equation part 2 का ले रहा हूँ मैं. पहले lectures में इससे related कुछ problems हुए थे, उसके definitions और rules हुए थे. तो अभी इस lectures में वही कुछ problems और rules. तो rules तो सेम ही रहेगा आपका, जेड एफ के इक्वल टू एफ जेड, जेड एफ के प्लस वन, जेड एफ जेड, जेड एफ ज़ीरो, जेड के प्लस टू, तो जेड स्क्वायर एफ जेड, जेड जेड स्क्वायर एफ ज़ीरो, जेड एफ वन, जेड के माइनस ईयर और समथिंग. अगर इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें, अगर y के फॉर्म में दिया हो तो y के फॉर्म में जब दिया होगा तो इसको हम y के प्लस वन तो जेड प्लस टू वाई बार या y u z भी कहीं लिखते हैं आप, वाई जेड अडियर वाई आर जेड वाई ज़ीरो टू. अगर जेड जेड जो एक कैपिटल जेड है, ध्यान में रखिएगा जेड ट्रांसफॉर्म का नोटेशन सही है, ठीक है. वाई के प्लस जेड स्क्वायर वाई मैन वाई बार जेड स्क्वायर वाई जीरो जेड वाई वन, ये हो गया इसका बेसिक डेफिनेशंस. अब ये फोर फाइव प्रॉब्लम्स ले लिए, वन टू थ्री फोर फाइव. तो कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस करेंगे और कुछ आप खुद ट्राई कर सकते हैं. तो मैंने कुछ हाफ पार्ट सॉल्यूशंस कर दिए क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम भी बचाना है, तो उस टाइम के कम हो उसकी वजह से मैंने ये पहले कुछ सॉल्यूशंस कर दिए हैं और बाकी सॉल्यूशंस करेंगे अभी. तो अब आते हैं फ्रेंड्स पहले पॉइंट्स. कह रहे हैं y क्वेश्चन सही है, वाई के फाइव बाई सिक्स के माइनस वन, वन पॉइंट सिक्स के माइनस टू, वन बाई टू रेस पावर के. पहला जो वर्क होगा वन बाई वन हम अप्लाई द जेड ट्रांसफॉर्म करेंगे. तो अप्लाई जेड ट्रांसफॉर्म हियर, तो जेड वाई के माइनस फाइव बाई सिक्स, जेड वाई के माइनस वन वन पॉइंट जी, जेड के माइनस टू, जेड वन पॉइंट टू के, ये है. तो अब ये वाई जेड इस वाले फार्मूले से वाई बार हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कर लेंगे फाइव अपॉइंट सिक्स जेड माइनस वन वाई बार, वन अपॉइंट सिक्स जेड एस टू माइनस टू वाई बार और समथिंग. और ये फार्मूला आपको पता है, जेड ए रेस टू के इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस ए, इस प्लेस पे ये लगा दिया गया. तो अब ये फिर से वाई बार कॉमन कर लीजिए, वाई बार कॉमन है हियर, हियर है और फिर हियर है और हियर है, ये कॉमन हो जाएंगे. तो फिर सिक्स जेड और वन अपॉइंट सिक्स जेड स्क्वायर हो गया योर राइट हैंड साइड्स. और फिर से टेकिंग एलसीएम, तो एलसीएम लेने पे ये मिल जाएगा आपको, ठीक है. और फिर y बार तो 6z क्यू, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पे कर दीजिए और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है. और इसका फाइव फैक्टर्स, बट ये तो 3 यहाँ से कॉमन कर दीजिए, 2 यहाँ से कॉमन, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके दैट फॉर्म. तो y बार इज इक्वल टू दिस. अब हमें क्या करना है एक्चुअल में, अब यहाँ पे हम इसको कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे वो आपको सोचना है. तो मैं यहाँ पे इन्वर्सन मेथड अप्लाई कर दूंगा, इन्वर्सन मेथड. सो इन्वर्सन मेथड के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड्स है स्टूडेंट्स, पहले हमें चाहिए जेड रेस्ट टू के माइनस वन एफ जेड को फाइंड करना होगा, तभी आगे बात बन पाएगी. तो पहला वर्क ये है, आपको इस तरह से इसको फाइंड करने होंगे जेड एस टू के माइनस वन एफ जेड, उसके बाद आगे का वर्क करेंगे. तो ये हमारा एफ जेड है, तो अब निकाल लेते हैं जेड एस टू के माइनस वन एफ जेड इज इक्वल टू, तो जेड एस टू के प्लस टू हो जाएगा, देख लीजिए 3 है यहाँ पे, तो के प्लस टू हो गया. और फिर यहाँ पे डिनोमीटर तो सेम ही रहेगा, जेड माइनस वन बाई थ्री और जेड माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर, ये वर्क होगा. अब क्या करना है आपको ये ध्यान में रखना है. तो अब हम यहाँ पे पोल वाले कंडीशंस को अप्लाई करेंगे. तो पहले पोल फाइंड करेंगे, पोल कैसे फाइंड आउट होगा, डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो पुट अप कर देना है. तो जेड माइनस वन बाई थ्री और z माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो. तो अब z इक्वल माइनस वन बाई मतलब जेड इक्वल टू वन बाई थ्री, ठीक है. ये कैसा हो गया सिंपल, ये सिंपल पोल की बात करते हैं तो सिंपल हो गया. और इसकी पावर टू है मतलब z इक्वल टू वन बाई टू और ऑर्डर हो गया इसका टू, ये टू ऑर्डर का हो गया. तो अब हम एक एक करके फाइंड करेंगे, पहला कि रेसिड्यू एट सिंपल पोल, ठीक है, रेसिड्यू ऑफ जेड रेस टू के माइनस वन एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए, ठीक है. और यहाँ पे रहेगा सिंपल पोल वाली कंडीशंस, तो होता है जेड माइनस ए
जेड रेस टू के माइनस वन एफ जेड, और इन सब की वैल्यू जेड इक्वल टू ए पे, तो निकाल लीजिए। तो हम किस पे निकालना है हमें, जेड इक्वल टू वन बाई थ्री पे। तो ये अभी वन बाई थ्री मतलब जेड माइनस वन बाई थ्री, ठीक, जेड रेस टू के प्लस टू, ठीक है, अपॉन जेड माइनस वन बाई थ्री, जेड माइनस वन बाई टू और इसका, और जेड इक्वल टू वन बाई थ्री, ठीक, ये चला गया। अब पुटअप कर दीजिए, तो ये वहाँ पे हो जाएगा वन अपॉन थ्री रेस पावर के प्लस टू डिवाइडेड बाय वन बाई थ्री माइनस वन बाई टू और इसका, तो ये सिंप्लीफाई होगा, वन बाई सिक्स मिलेगा, माइनस वन बाई सिक्स, तो स्क्वायर कर देंगे, 36 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 36 वन बाई थ्री रेस पावर के और वन बाई थ्री स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4, ये मान लीजिए दिस इज आर वन, 4 वन अपॉन थ्री रेस पावर के, ये हो गया इसका कैलकुलेशन, ठीक है। अब हम ऑर्डर एम पे निकाल लेंगे, जो हम ऑर्डर एम पे फाइंड करते हैं ना, तो ऑर्डर एम पे निकाल लीजिए। अब ऑर्डर एम पे क्या होता है हमारा, रेसिड्यू, रेसिड्यू ऑफ ऑर्डर एम, तो ये मान लीजिए आर टू अगर है, तो आपको पता है दिस इज एम माइनस वन फैक्टोरियल डी डी रेस टू एम माइनस वन डी जेड रेस टू एम माइनस वन, ठीक है, जेड माइनस ए रेस पावर एम जेड रेस टू के माइनस वन एफ जेड जेड इक्वल टू ए, ये हो जाएगा, ये है फार्मूला। तो इस फार्मूले पे ही वर्क करना है आपको, ठीक है। तो हमारा क्या है, वन टू वन बाई टू है, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू है 2, a इज इक्वल टू है 1 बाई टू, तो r2 टू इज इक्वल टू वन अपॉन टू माइनस वन फैक्टोरियल ये d अपॉन डी जेड जेड माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर जेड रेस टू k प्लस टू, ठीक, डिवाइडेड बाय z माइनस वन बाई थ्री, और ये वैल्यू z माइनस वन बाई टू स्क्वायर, ये कट गया, तो आर टू ये हो जाएगा फैक्टोरियल अनन ख़त्म। अब यहाँ पे हो गया हमारा डी बाई डी जेड, और इसकी वैल्यू है जेड इक्वल टू वन बाई टू, और ये जेड रेस टू के प्लस टू अपॉन जेड माइनस वन बाई थ्री, ठीक, अप्लाई कर दीजिए डिनोमेटर्स डेरिवेटिव वाला फार्मूला और इन टू, तो के प्लस टू और जेड रेस टू के प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, माइनस जेड रेस टू के प्लस टू इंटू इसका डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई जेड माइनस वन बाई थ्री होल स्क्वायर जेड इक्वल टू वन बाई टू, ठीक है। डिनोमेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर्स, तो डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर्स माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमेटर दैट इज द वन, तो ये टोटल सिंप्लीफिकेशन इसका इस तरह से मिल जाएगा। तो अब जब अभी इसमें क्या करना है, हमें सब जगह ये वैल्यू पुटअप कर देनी है और सिंप्लीफाई कर लेना, और कुछ नहीं करना आपको, ये पुटअप कर दीजिए अभी, वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री, ठीक, या आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, उसके बाद कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा के प्लस टू जेड रेस टू के प्लस वन अपॉन जेड माइनस वन बाई थ्री, ठीक, और माइनस जेड रेस टू के प्लस टू अपॉन जेड माइनस वन बाई थ्री होल स्क्वायर पुट कर दीजिए अब, तो ये आपका वन बाई टू रख देना है, तो के प्लस टू एडिटिज रहेगा, वन बाई टू रेस पावर के प्लस वन डिवाइडेड बाई वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री माइनस जेड रेस टू सॉरी वन बाई टू रेस पावर के प्लस टू डिवाइडेड बाई वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री होल स्क्वायर, तो ये टोटल सिंप्लीफिकेशन 6 हो जाएगा, और यहाँ से निकाल लेंगे, मतलब ये मिल जाएगा 3 के प्लस टू और वन बाई टू रेस पावर के, ठीक है, वन बाई टू यहाँ से सेपरेट कर दीजिए, 3 और 6 हो जाएगा, माइनस 36 हो गया, 4 तो 9 हो जाएगा, ये 2 टू 4 9 9 और
वन बाई टू रेस पावर के, ठीक है, ये इस तरह से ये मिलने वाला है अरेंजमेंट। तो अब वो इनका सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए हम, ठीक है। तो अब कैलकुलेशंस मिशिंग कहीं होगा, देख लीजिए, 6 3 k प्लस 2 1 बाई 2 k, और ठीक है 9 1 बाई 2। तो अब ये क्या करना है, ये आर टू हो गया, तो एफ के क्या होगा हमारा, सम ऑफ रेसिड्यू, रेसिड्यू ऑफ जेड रेस टू के माइनस 1 एफ जेड एट पोल। तो हो गया यहाँ पे, मतलब 4 1 बाई 3 रेस पावर के माइनस प्लस 3 k प्लस 2 1 बाई 2 रेस पावर के माइनस 9 1 बाई 2 रेस पावर के। तो आप इसको चाहे तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, अदरवाइज एट इट इज दैट इज योर आंसर। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है और करना है, ठीक है। पार्सल से वाले से भी कर सकते थे, बट इससे अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वाई के प्लस 2 जेड, ठीक है, 2k प्लस 1 दिया हुआ है, वाई के और इक्वल टू के दिया हुआ है, क्वेश्चन वाई वन वाई जीरो ये जीरो है। तो अब अप्लाई द जेड ट्रांसफॉर्म करना है पहला। जेड ट्रांसफॉर्म जैसे ही स्टूडेंट्स अप्लाई करोगे आप, तो पहला ये फार्मूला इसके रिप्लेस पे लिखना है, ठीक है, जेड स्क्वायर वाई बार, जेड स्क्वायर वाई जीरो, जेड वाई वन, और फिर ये जेड, तो 2z वाई बार, जेड वाई जीरो, वाई वाई बार और जेड, ये देखिएगा इसका जो ये होता है, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेड के जेड अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आप कर सकते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेड के का डिफ्रेंशिएशन। तो अब इसको वाई बार पहले, अब ये वैल्यू कर देनी है हमें, पुट कर देना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई जीरो एंड वाई वन, रख दीजिए, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया, यहाँ भी जीरो हो गया, तो सिर्फ ये मिलेगा, ये अभी सिंप्लीफाई। तो अब ये दोनों क्वाड्रेटिक मिल गया, बोथ क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक वाला फार्मूला हम फिर से वही अप्लाई करेंगे और कैलकुलेशंस करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड लॉजिकल कंसेप्ट था कि ये दोनों ही क्वाड्रेटिक मिल गया है इस केस में, तो अब कैसे कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है ना, ये दोनों ही क्वाड्रेटिक है। तो इस केस में अभी आपको कैलकुलेशंस आगे की तरफ बढ़ना है, तो फिर से वही काम, क्या करना है आपको, पहले इन्वर्सन मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, इन्वर्सन मेथड, तो जेड रेस टू के माइनस वन एफ जेड ये निकालना है आपको, ठीक है। तो जेड रेस टू के माइनस वन एफ जेड निकालना है, तो पहले आप ये निकाल लीजिए, अब यहाँ पर जाएगा जेड रेस टू के हो जाएगा, बाकी के समय से ही रह जाएगा, ठीक। अब पोल पे बात कर लेंगे, पोल तो डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो पुट अप कर देना है, ठीक है, ये हो गया। तो जेड इक्वल टू माइनस वन और जेड इक्वल टू वन, ये है पोल, और ऑर्डर कितना है इनका, टू है, ठीक है, तो ऑर्डर टू है। तो अब इस हिसाब से हमें रेसिड्यू निकाल लेना है, पहला रेसिड्यू, तो पहला R1 मान लेते हैं, Z इक्वल टू 1 पे निकाल लेता हूँ पहले, तो और ऑर्डर M इज इक्वल टू 2, तो वहाँ पे अब मिल जाएगा 2 माइनस 1 फैक्टोरियल d बाय डी जेड, ठीक है, Z माइनस 1 होल स्क्वायर, Z रेस टू k अपॉन Z माइनस 1 होल स्क्वायर, और Z प्लस 1 होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू Z इक्वल टू 1 पे, तो ये गया, ये खत्म, डी बाई डी जेड, ये जेड रेस टू के अपॉन जेड प्लस वन होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई, डिनोमेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, तो ये जेड प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक, इंटू के जेड रेस टू के माइनस वन, माइनस जेड रेस टू के, और इसका फिर से, तो टू जेड प्लस वन ये मिल जाएगा, और ये z प्लस वन रेस पावर 4 मिल जाएगा। तो अब चाहें तो इसको आप ओपन कर सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए, और ये सब की वैल्यू है z इक्वल टू 1 पे, तो डिवाइड कर लीजिए पहले, तो k z रेस टू z माइनस 1
सॉरी k माइनस वन डिवाइडेड बाई जेड प्लस वन और स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये भी हो जाएगा टू जेड रेस टू के अपॉन जेड प्लस वन होल क्यूब और एट जेड इक्वल टू वन रख दीजिए। अब यहाँ पे वन रेस टू के माइनस वन, तो वन रेस टू के माइनस वन मतलब कुछ नहीं वन ही मिलेगा, ठीक है, तो k यहाँ पे हो जाएगा ठीक, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे वन प्लस टू प्लस फोर हो जाएगा माइनस टू वन और यहाँ पे कितना होगा और टू एट, टू बाई एट ठीक है, मतलब k बाई फोर माइनस वन बाई एट ये मिल गया। इस तरह से इसका कैलकुलेशन। अब r2 की बात कर लेते हैं, तो अब हम किस पे निकालेंगे z इक्वल टू माइनस वन पे, इस वाले कंडीशंस पे, ये दूसरा वाला है जो है ना इस पे, तो सेम r2 वाली बात होगी यहाँ पे, तो r2 फिर से वही वर्क 2 माइनस वन फैक्टोरियल d बाई डी जेड ठीक है, और z माइनस वन अब यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा होल स्क्वायर z रेस टू k और z माइनस वन होल स्क्वायर और z प्लस वन होल स्क्वायर, दिस इस बार ये जाएगा ये वन हो गया, फिर से वही z माइनस वन होल स्क्वायर k z रेस टू k माइनस वन माइनस जेड रेस टू के जेड माइनस वन टू हो जाएगा और डिवाइडेड बाई जेड माइनस वन रेस पावर फोर और जेड इक्वल टू माइनस वन ठीक, तो फिर ये डिवाइड कर देंगे तो वन मिलेगा, मतलब ये मिल गया आपको के, ये मिल जाएगा माइनस वन रेस टू के माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस वन रेस टू के टू और यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू का क्यूब हो जाएगा ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है सिर्फ, तो एट इट इज वर्क हो जाएगा ये ठीक, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा माइनस के अपॉन फोर, तो ये के अपॉन फोर माइनस वन रेस टू के माइनस वन ये माइनस एट हो गया तो वन बाई फोर हो जाएगा फिर से ठीक है, वन बाई फोर और यहाँ पे कुछ मिसिंग हो गया टू बाई के बाई फोर यहाँ भी हो जाएगा फोर ठीक है और माइनस वन रेस टू के ठीक, तो ये हो गया आपकी अरेंजमेंट। अब एफ के क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू मतलब ये है के बाई फोर माइनस वन बाई फोर प्लस के बाई फोर माइनस वन रेस टू के माइनस वन प्लस वन बाई फोर माइनस वन रेस टू के, दैट इज़ योर आंसर। तो आप थोड़ा और इसको मॉडिफाई करके अरेंजमेंट करके लिख सकते हैं, अदरवाइज दैट इज़ योर आंसर्स। तो स्टूडेंट ध्यान में रखना है फार्मूले बहुत बराबर अप्लाई करने हैं और आगे का वर्क करना है ओके। चलिए कुछ और प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं अभी, अब ये क्वेश्चन ले लिया है तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशंस है क्या, एक्चुअल में फिर से वही काम y k और समथिंग, तो पहला z ट्रांसफॉर्म आपको अप्लाई करना है, आपको ये ध्यान में रखना है हमेशा z ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करना है, z y k 4 तो 4 बाहर हो जाएगा z y k प्लस 1 3 z y k एंड z ठीक है z 3 रेस टू k, तो इसके रिप्लेस पे ये लिख देंगे, इसके रिप्लेस पे ये है और ये वाला ऐसे है और ये फार्मूला ये आपको पता है ये फार्मूला, तो ये ब्रेकिंग हो गया आपका y0 z ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे है y0 0 y1 है 1 तो ये रख दिया गया यहाँ पे और सिंप्लीफिकेशन तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब सिंप्लीफाई हो गया तो फिर से वही वर्क इन्वर्शन को अप्लाई करना है हमें, इन्वर्शन मेथड, तो पहला z रेस टू k माइनस वन fz चाहिए हमें, ये ध्यान में रखना है आपको हमेशा, तो निकाल लीजिए आप जेड रेस टू के माइनस वन एफ जेड इज इक्वल टू, यहाँ से जेड निकाल सकते हैं बाहर ना, तो जेड रेस टू के माइनस वन जेड निकाल लीजिए तो जेड माइनस टू डिवाइडेड बाय जेड प्लस थ्री जेड प्लस वन और जेड माइनस थ्री ठीक, तो ये हो गया जेड रेस टू मतलब के, तो z रेस टू k माइनस जेड माइनस टू डिवाइडेड बाई जेड प्लस
3, जेड माइनस 3 और जेड प्लस 1, ये सारा वर्क हो गया। तो अब क्या करना है, फिर से वही वर्क, अब पोल को फाइंड करना है। पहला जो वर्क होगा हमें पोल को देखना है, दैट इज द पोल व्हाट, ठीक है। ये पोल के बारे में हमें बात करनी है, पोल। तो यहाँ पे देख लीजिए, जेड प्लस 3, जेड माइनस 3 और जेड प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो जेड इक्वल टू 3 माइनस 3, 3 एंड माइनस 1 ऑल आर सिंपल पोल, ठीक है, सभी सिंपल पोल हैं, ये ध्यान में रखना आपको, दैट इज ए सिंपल पोल। तो सिंपल पोल के लिए 1 1 1 इस इक्वेशन कर लेंगे, R1 पहले ले लेंगे हम। तो हम पहले मान लेते हैं जेड इक्वल टू माइनस 3 पे निकालना है, तो इस पे निकाल लेते हैं R1। तो ये जेड माइनस 3 मतलब प्लस 3 हो जाएगा और बाकी का सेम रहेगा, जेड एस टू के जेड माइनस 2 अपॉन, तो जेड प्लस 3, जेड माइनस 3, जेड प्लस 1 और इन सब की वैल्यू जेड इक्वल टू माइनस 3 पे, ठीक है, ये चला गया, रख दीजिए अब R1। तो माइनस 3 पावर ऑफ के, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 माइनस 2, ठीक, ये हो गया माइनस 3 माइनस 3, ये माइनस 3 प्लस 1, सिंप्लीफिकेशन करना है, माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस 5 इधर से माइनस 6 और ये माइनस 2, तो माइनस 5 मतलब माइनस माइनस प्लस होगा फिर से माइनस, तो माइनस 5 और ये कितना होगा, 3 3 6 2 12, माइनस 5/12 माइनस 3 रेस्ट के, ये मिल गया, ठीक है ना, माइनस 5 हो गया, ये माइनस 6 हो गया और यहाँ से माइनस 2 निकलेगा तो 12 हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब R2, तो z इक्वल टू 3 ले लीजिए, तो z माइनस 3 हो जाएगा, जेड रेस्ट टू के जेड माइनस 2, फिर से वही काम, जेड माइनस 3, जेड प्लस 3, जेड प्लस 2 और इसकी वैल्यू जेड इक्वल टू 3 पे, ठीक है, ये चला जाएगा। तो 3 रेस्ट टू के मतलब ये 3 माइनस 2 1 हो गया, या लिख लेते हैं पहले 3 माइनस 2, 3 रेस्ट टू के डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3, 3 प्लस 1 है, 2 कहाँ सा रहा, 1, ठीक है, 3 प्लस 1 तो मिल गया ये 1, 6 और ये कितना होगा 4, 24, तो 1/24 3 रेस्ट टू के, ये मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट R3 पे बात कर लेते हैं, जेड इक्वल टू माइनस 1, तो जेड इक्वल टू माइनस 1 पे वही काम, फिर से जेड प्लस 1 हो जाएगा, जेड रेस्ट टू के और जेड माइनस 2 डिवाइडेड बाय, तो जेड प्लस 1 यहाँ पे पहले कर देता हूँ, जेड प्लस 3 और जेड माइनस 3 और इन सब की वैल्यू जेड इक्वल टू माइनस 1 पे गया, तो माइनस 1 रेस्ट टू के हो जाएगा अभी, और 1 माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस माइनस 3, ये माइनस 3 हो गया, ठीक है, माइनस 3 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 और 4 टू जा 8, तो 3/8 और माइनस 1 रेस्ट टू के, ये हो गया आंसर इसका, ठीक है, 2 मिल गया यहाँ पे, माइनस 4 मिलेगा, तो 4 टू जा 8 और ये माइनस माइनस प्लस, तो एफ के तीनों को जोड़ दीजिए अब, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, R1 R2 R3 को जोड़ दिया गया हमने, तो पहला है माइनस 5/12 माइनस 3 रेस्ट टू के, दूसरा मिल गया आपको 1/24 3 रेस्ट टू के और ये बन गया 3/8 माइनस 1 रेस्ट टू के, ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपको निकालना है, ध्यान में रखना है। तो प्रोसेस 1/1 है, स्टेप बाय स्टेप करिए वर्क, देन यू गो फॉर द रिजल्ट्स। पोल और फार्मूले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये तो आपको मालूम ही है सब, सम ऑफ रेसिड्यू, ठीक है, ओके चलिए, ये अगेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये ट्राई कर सकते हैं आप, इसको सॉल्व कर लीजिए, अनदर्स हैं ये,
ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, बट ट्राई करना आपको पड़ेगा और इसको सोल्यूशन करने का। ये इमेजनरी मिलेगा, मतलब यहाँ पे अब जेड इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये आपको इसको डिनोमेटर वाला जो पोर्शन है ना, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन वाला इक्वल टू जीरो पुट अप करके ये पहला जेड ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर लीजिए। ये सब फार्मूला होगा, ये कैलकुलेशंस हो गया, इसकी वैल्यू ये तो अब ये मिल गया। तो अब जेड इक्वल टू हमें कौन सा मिला, माइनस वन, मतलब माइनस वन प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो वन माइनस फोर अंडर रूट अपॉन टू, ठीक है। तो ये मिल गया माइनस वन प्लस माइनस, ये हो जाएगा आई रूट थ्री अपॉन टू। तो आप एक बार प्लस ले सकते हैं, जब प्लस लेंगे तो अल्फा मान लेते हैं, तो माइनस वन बाई टू प्लस आई अंडर रूट थ्री बाई टू, और एक बीटा ले लेते हैं निगेटिव वाला पोर्शन, माइनस वन बाई टू माइनस आई अंडर रूट थ्री बाई टू, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरत होगी तो मैं निकाल ले रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस वन बाई, माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू, तो माइनस वन मिल जाएगा सिर्फ। और अल्फा माइनस बीटा क्या मिल जाएगा, इसमें से इसको घटा देना है, ये प्लस हो जाएगा और ये मतलब टू हो जाएगा, तो आई रूट थ्री मिल जाएगा सिर्फ। तो अब देखिए, अब ये यू बार कैसे मिल गया हमारा, जेड अपॉन जेड माइनस अल्फा जेड माइनस बीटा, ठीक है। तो और ये दोनों कैसे हैं, सिंपल है, ठीक है। तो अभी सिंपल पोल पे सारा वर्क हमें कर लेना है और कैलकुलेट कर लेना है। तो आप ट्राई करिए, होमवर्क एक तरह से मैं बोल दे रहा हूँ आपको, आप खुद ट्राई करिए और आंसर आपको मिल जाएगा फाइनली, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कह सकते हैं आप। अप्लाई द जेड ट्रांसफॉर्म, देखने से बड़ा लग रहा है तो देख लेंगे पहले। जेड ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करना है, अप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी अप्लाई कर दिया ये और समथिंग। तो पहला ये फार्मूला है जेड, इसके रिप्लेस पे लिख देना है जेड स्क्वायर यू बार, जेड स्क्वायर यू नॉट और जेड माइनस यू वन और ये समथिंग, ये कैलकुलेशन। जेड स्क्वायर यू बार माइनस जेड स्क्वायर जेड, ये वैल्यू है गिवेन है, ए जीरो इक्वल टू वन, यू वन इज इक्वल टू वन, ये दोनों वैल्यू है। तो यहाँ पे हम रख देंगे दोनों वैल्यू को, ठीक है, ये वैल्यू रख दी गई। यहाँ भी वही वर्क करना है, माइनस फोर से मल्टीप्लाई कर देना है, फोर जेड यू बार हो जाएगा और फोर जेड, ठीक है, और थ्री यू बार ये है ही आपका, और जेड अपॉन जेड माइनस फाइव, ये वर्क। तो फिर से वही काम, यहाँ पे जेड स्क्वायर अब यू बार को कलेक्ट कर लेना है, ये हो गया और ये समथिंग, ये कैलकुलेशन। तो ये फुल्ली कैलकुलेशन हमारा इस तरह से ये मिल गया। अब जो वर्क होगा, समझ में आ रही बात, ये वर्क आपको पता है कैसे कर लेना है, वही इन्वर्शन मेथड्स के थ्रू जाना है हमें, इन्वर्शन मेथड। तो इन्वर्शन मेथड में आपको पता है क्या करना है, जेड रेस्ट के माइनस वन एफ जेड को फाइंड करना है स्टूडेंट्स। पहला जो कंसेप्ट यही फाइंड करना है आपको। तो यहाँ पे वही ये एफ जेड है हमारा, इस पर वर्क कर लेना है। तो जेड रेस टू के माइनस वन एफ जेड इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा, मतलब ये सिर्फ मिलेगा जेड रेस टू के मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे मिल जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एट जेड प्लस सिक्सटीन और डिवाइडेड बाय जेड माइनस थ्री जेड माइनस वन और जेड माइनस फाइव। ये इम्पोर्टेंट टास्क था। तो ये आपको हमेशा कंक्लूजन वर्क करना है, बिना इसके वर्क होगा नहीं, तो ये ध्यान में रखिए। अब पोल हम फटाफट, तो पोल तो पता ही है, अब देख रहे हैं पोल के लिए जो वर्क करना है, पोल जेड माइनस थ्री जेड माइनस वन और जेड माइनस फाइव, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो। तो जेड इक्वल टू वन थ्री फाइव, ऑल ऑल आर सिंपल, ठीक है, सभी क्या है, सिंपल पोल है। तो इस सिंपल पोल के थ्रू हमें वर्क कर लेना है फिर। तो पहले जेड इक्वल टू वन पे कर लेता हूँ, तो दैट इज मान लीजिए आर वन है। तो अब यहाँ पे आर वन के थ्रू हम करेंगे, तो मतलब यहाँ पे जेड माइनस वन आएगा, बाकी का सब ऐसे रहेगा, जेड स्क्वायर माइनस एट जेड प्लस सिक्सटीन डिवाइडेड बाय जेड माइनस थ्री जेड माइनस वन जेड माइनस फाइव और जेड इक्वल टू वन, तो ये जाएगा।
अब कैलकुलेशन वन है तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 8 प्लस 16 वन रेस्ट टू के डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 एंड 1 माइनस 5। तो ये ख़त्म हो गया, ये कितना मिला 8 9 9, ठीक है, ये कितना मिल जाएगा 9 16 1 17 माइनस 8 9, ये 9 मिल गया, और डिवाइडेड बाय 2 और ये 4 8 और ये 9/8, बाकी 1:k एट इट इज़, ठीक है। अब आते हैं जेड इक्वल टू 3 पे ले लीजिए, तो आर टू निकालना है, तो आर टू फिर से वही वर्क, तो यहाँ पे जेड माइनस 3 एक जेड रेस्ट टू के जेड स्क्वायर माइनस 8z प्लस 16 और फिर से काम जेड माइनस 3 जेड माइनस 1 जेड माइनस 5 और इस सब की वैल्यू जेड इक्वल टू 3 ये गया 3 रेस्ट टू k माइनस 9 माइनस 24 प्लस 16, ठीक है, 3 माइनस 1 और 3 माइनस 5, सो दैट वैल्यू इज हियर 16 9 25 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2 और माइनस 2 1/4, तो माइनस 1/4 3 रेस्ट टू k दैट वैल्यू इज आर टू, ठीक है, ये मिल गया। अब 5 पे निकाल लीजिए, जेड इक्वल टू 5 पे तो फिर से वही R3 यहाँ पे जेड माइनस 5, ठीक है, जेड रेस टू के जेड स्क्वायर माइनस 8z प्लस 16 अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 3 जेड माइनस 5 एट जेड इक्वल टू 5, ठीक है, देख लेता हूँ, ओके ठीक है, तो ये जाएगा तो 5 रेस टू k 25 माइनस 40 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 5 माइनस 2, ये हो गया 16 41 1 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 5 4 और 3 15 ना नहीं 4 3 12 तो 1/12 5 रेस टू k दिस इज R3, ठीक है। तो अब FK, ठीक है, सम ऑफ रेसिड्यू, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 R1 R2 R3 1 पे कितना निकाला 9/8 तो 9/8 3 पे कितना है माइनस 1/4 3 रेस टू k प्लस 1/12 5 रेस टू k ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमें वर्क करना है, बट ये ध्यान में रखना है क्या क्या पहला वर्क क्या क्या करना है आपको, पहले जेड ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करना है, उसके बाद जो यूजेड एफजेड की वैल्यू को फाइंड करना है, आफ्टर देन फिर से इन्वर्सन मेथड, तो इन्वर्सन मेथड के लिए हमें ये करना है और उसके बाद आगे का वर्क, ठीक है। तो इससे टेक केयर, थैंक यू, एक और लेक्चर्स होगा इस पे हमारा जेड ट्रांसफॉर्म पे, बट वो अभी मिक्स में मैं बनाऊंगा आपको तो बताऊंगा, ठीक है, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।